हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे सरसों का साग बनाते हुए। सरसों भाजी का साग आज हम लोग बना रहे हैं, और हम लोग एक जने के खेत में काम करने गए थे तो वहीं से सरसों का भाजी लेकर आए हैं। आज उसी का हम लोग साग बनाएंगे दोस्तों, और आगे आप लोग देखते जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज हम लोग दिवाली के दिन बना रहे हैं हमारे ब्लॉग को, तो आगे आप लोग देखते जाइए। और जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आगे देखिए सरसों का साग दोस्तों। आज देखिए दोस्तों हमारा सरसों भाजी, और इसी का आज हम लोग सरसों साग बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको तो आप कई स्टाइल में बनाते हैं हर जगह, तो आज हम लोग एकदम देसी तरीका से बनाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ तो डालेंगे नहीं, और इसको अब हम लोग पहले जड़ से काट लेते हैं दोस्तों। सरसों बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, सरसों का साग। तो आज देखते जाइए हमारे ब्लॉग पे, और हम लोग एक एक करके जड़ से काट लेते हैं भाजी को, साफ कर लेंगे, फिर छोटा छोटा काट लेंगे दोस्तों। देखते जाइए आप लोग, ये देखिए काटने के लिए रख लिए हैं हम लोग, और इधर हमारा हसिया है काटने के लिए। देखिए दोस्तों हम लोग जड़ को काट लिए हैं, ये देखिए, और छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं सब्जी बनाने लायक। ये देखिए, ये देखिए छोटा छोटा कर लेते हैं, फिर सब्जी बना लेंगे हम लोग। ये भाजी को हमारा, सभी को ऐसे ही काट लेते हैं हम लोग एक 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 करके थोड़ा थोड़ा। देखिए दोस्तों हम लोग सभी को बारीक काट लिए हैं, छोटा छोटा पत्ता कर लिए हैं, और अब हम लोग सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये देखिए काट लिए सभी को हम लोग। देखिए दोस्तों हम लोग फ़ौरन के लिए तड़का लगाने के लिए हम लोग सूखा मिर्चा रख लिए हैं, और इसका हम लोग तड़का लगाएंगे। और ये हमारा एक ठो टमाटर है, इसको काट लिए हैं सब्जी में डालने के लिए, और लहसुन है बघार के लिए साथ में। टमाटर इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों, इसमें स्वाद भी अच्छा लगता है, और जो सरसों भाजी में एक थोड़ा सा तीखापन रहता है उसको भी कम करता है, तो इसके लिए हम लोग डाल रहे हैं, स्वाद भी आएगा और कम भी कर देगा तीखापन को। तो हम लोग अब सब्जी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। देखिए टमाटर भी काट लिए हम लोग एक ठो। देखिए दोस्तों हम लोग चूल्हा पे कढ़ाई को रख लिए हैं, और हल्का सा बिल्कुल तेल डाल लेते हैं, बघार में अलग डालेंगे तेल, बघार लगाएंगे उस समय। ये देखिए हल्का सा भाजी चिपके ना कढ़ाई में, और थोड़ा स्वाद भी आ जाए, तो हम लोग तेल डाल लिए हैं, रिफाइंड तेल है, और तेल हल्का सा गरम कर लेते हैं हम लोग, फिर भाजी को धो लेंगे साफ पानी से। देखिए हमारा साफ पानी है और ये भाजी है, तो अच्छा से धो लेते हैं दोस्तों हम लोग भाजी को। ये देखिए ये रख लिए हैं, और अच्छा से डुबा के धो लेते हैं भाजी को हमारा। ये देखिए अच्छा से धो लेते हैं, धुल गया है हमारा भाजी, और हमारा तेल भी अब गर्म हो गया है। ये देखिए, तो अब हम लोग डाल देते हैं दोस्तों भाजी को कढ़ाई में पकाने के लिए। और अब अच्छा से पका लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बघार लगाएंगे, टमाटर भी डाल लेंगे थोड़ी देर में, भाजी पक जाए हल्का सा आधा। देखिए दोस्तों हमारा भाजी अच्छा से पक गया है, तो अब हम लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं और नमक को, फिर और पका लेंगे। पानी इसका कम हो गया है पक के, तो और पकना है इसको, आधा पक गया है,
और टमाटर डाल लेते हैं और नमक भी डाल लेंगे, फिर पूरी तरह पका लेंगे, उसके बाद फिर छौंक लगा लेंगे तड़का। ये देखिए नमक भी डाल लिए हम लोग और मिला लेते हैं एक बार अच्छा से, फिर पका लेंगे। ये देखिए और अच्छा से फिर पका लेते हैं और हम लोग। देखिए दोस्तों हमारा सरसों का साग पक के तैयार हो गया है, तो अब इसको उतार लेते हैं, फिर हम लोग बघार लगा लेंगे, चूल्हा से उतार लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, देखिए दोस्तों हम लोग उतार के कटोरे में रख लिए हैं बर्तन में सब्जी को, ये देखिए। और अब हम लोग छौंक लगा लेते हैं दोस्तों, इसमें डाल देंगे हम लोग मिर्चा और ये हमारा लहसुन को। देखिए दोस्तों अब हम लोग छौंक लगा लेते हैं, करछुल से हम लोग तेल गरम कर लिए थे और इसमें लहसुन और ये हमारा साबुत लाल मिर्च है और इस सब्जी में डाल लेते हैं और छौंक लगा लेंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल देसी तरीका से दोस्तों, और हमारा सब्जी अब बन के तैयार है, सरसों का साग। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग सरसों का साग बनाए थे, सरसों भाजी का, और एकदम नए तरीका से बनाए थे, विलेज तरीका से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।